भारतीय जनता पार्टी पर काम नहीं है बताने को, इसीलिए नए सपने दिखा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो झूठे सपने दिखाए थे, और ये हर चरण में बढ़ता चला जाएगा। अखिलेश की कन्नौज में डिंपल के लिए रैली, आजम के बयान को नजरअंदाज करते दिखे अखिलेश, बोले चुनाव आयोग ने संज्ञान ले लिया, बात खत्म। बीजेपी आईटी सेल पर कर गए बड़ी टिप्पणी। अखिलेश यादव कन्नौज में पत्नी डिंपल के लिए प्रचार कर रहे थे, मौसम ने करवट ली और बारिश शुरू हो गई, तब भी अखिलेश ने रुककर पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए, लेकिन बरसात में भी वो भाजपा पर नरम नहीं पड़े। आजम के बयान को नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी के लिए बहुत बड़ी बात थी। भाजपा टीम के लिए उन्होंने टेररिस्ट शब्द का प्रयोग कर डाला। इलेक्शन कमीशन ने नोटिस में ले लिया, लेकिन सच्चाई तो ये भी है कि समाजवादी लोग हमेशा महिलाओं का सम्मान करते हैं। यार, तुम चुप पे नहीं। समाजवादी लोगों ने समाजवादी पेंशन महिलाओं को दी, 1090 दी, एक नहीं न जाने कितने में उदाहरण दे सकता हूँ जहाँ पर इस तरह का काम समाजवादी सरकार ने महिलाओं के लिए किया है। इंटरनेट टेररिस्ट हैं वो, अगर हम देखें इंटरनेट पर सबसे ज्यादा गलत भाषा का इस्तेमाल कौन कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग, और यहाँ भी आप जानते हो क्या कहते होंगे लोग, इसलिए इनका व्यवहार खराब है, इनकी बातचीत खराब है। चुनाव आयोग संज्ञान नहीं लेता, क्या उसको लेना चाहिए सब चीजों का? चुनाव आयोग को भी तो संज्ञान लेना चाहिए। मैं समझता हूँ चुनाव आयोग के लोगों तक जानकारी पहुँच रही होगी, आने वाले समय में हो सकता है उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। अखिलेश यादव को कन्नौज की जनता पर पूरा भरोसा है कि वो सपा प्रत्याशी और उनकी सांसद पत्नी डिंपल यादव को भारी बहुमत से जिताएंगे। मुझे खुशी है इस बात की कि कन्नौज की जनता को काम याद है और काम के आधार पर जनता मतदान करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने जो झूठे सपने दिखाए थे, जो अच्छे दिन का वादा किया था, जो करोड़ों नौकरी देने की बात कही थी, किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, लाभकारी मूल्य मिलने लगेगा, आज वो सच्चाई सामने है। 5 साल की सरकार के बाद यहाँ की जनता ने एक्सप्रेसवे देखा है, मंडी बनी देखी है, एम्बुलेंस चलती देखी है, 100 नंबर वाली पुलिस की व्यवस्था देखी है। तो आज जो काम हुआ है, जो उपलब्धियाँ हैं, वो जनता के सामने हैं। भारतीय जनता पार्टी पर काम नहीं है बताने को, इसीलिए नए सपने दिखा रहे हैं। नए सपनों के चक्कर में जनता नहीं पड़ेगी, जनता सच्चाई और हकीकत के सामने मतदान करेगी। देखिए पहले चरण में जो बरसात हुई है वोटों की, शायद इससे भी ज्यादा बूंदें गिरी हैं, बरसात से ज्यादा आवाज आई है, और ये हर चरण में बढ़ता चला जाएगा। ये वोट की बारिश इसी तरह होगी, आने वाले समय में हर चरण में वोट की बारिश इसी तरह दिखाई देगी।